हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शूट करूंगी साड़ी में, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि साड़ी में व्लॉग बनाया करिए। तो ये वाली साड़ी मैंने आज पहनी हुई है, ग्रीन वाली, और मुझे कमेंट करके बताइए मैं साड़ी में कैसी लग रही। तो सबसे पहले ऑन करेंगे एसी और फैन को करेंगे ऑफ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करने। फैन चलता रहेगा तो सब उड़ेगा मेरे ऊपर, और मैंने अपने हेयर्स कवर करके रखे हुए हैं क्योंकि इसके ऊपर है काफ़ी ज़्यादा डस्ट, वो मेरे बालों में जाएगी और मुझे थोड़ा डस्ट एलर्जी भी है। तो नोज़ भी मैंने कवर की हुई है क्योंकि अगर हल्का सा भी मेरे नोज़ में गया तो मेरी छींकें बंद नहीं होती है, तो इसलिए अच्छे से मैं कवर करके हेयर को भी और नोज़ को भी तब क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये वीडियो आपको देख के लग रहा होगा कि कितनी जल्दी ये सारा काम हो रहा है, लेकिन नई वीडियो तो मैंने जल्दी जल्दी शूट किया है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे, और इसी में मेरे को शाम के 7 बज गए थे। अभी आप घड़ी में देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं, 1:30 या 2 बज रहे हैं, और इसमें मुझे लग गया था बहुत ज़्यादा टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से गंदा था। जब से हम लोग यहाँ पर मथुरा आए हैं तब से इसकी क्लीनिंग की ही नहीं थी मैंने, और ड्रेसिंग टेबल में भी काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह फैल गया था, तो उसे भी मैं पूरा एक एक हटा के पूरा सेट करूँगी, सारा सामान वहाँ से निकालूंगी क्योंकि बच्चे हैं तो वो फैलाते भी काफ़ी, और यहाँ पे देख लीजिए क्या कूड़ा मचा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल लग ही नहीं रहा, लग रहा है ये डस्टबिन है। तो इतना सारा सामान यहाँ से मैंने निकाला है, अब एक एक पहले पूरा ड्रेसिंग टेबल को मैं क्लीन करूँगी और ये सारे सामान को भी एक एक को पोंछ के तब ही सेट करूंगी उसमें। तो ड्रेसिंग टेबल भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और मिरर बचा हुआ है तो उसे कॉलिन से करूंगी क्योंकि मिरर भी आपको देख के लग रहा होगा कि वो भी काफ़ी गंदा है, मैंने क्लीनिंग करी ही नहीं है। मेरे पास वैसे ही डेली का ही इतना ज़्यादा वर्क हो जाता है, और बच्चे हैं दो तो वो परेशान भी काफ़ी करते हैं, तो मैं क्लीनिंग ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा ही अब हो गया है तो इसलिए इसकी कर देते हैं। मेरा भी साफ़ हो गई है, ऊपर उसके भी काफ़ी डस्ट था, और ये देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है तो इसे भी कर दिया है, और बाकी मेरा काम काफ़ी हो गया है। ये सेम डे का ही व्लॉग है जब मैं बुक्स वगैरह में कवर चढ़ा रही थी, कपड़े वगैरह भी वॉश कर दिए थे सुबह उठते ही मैंने, फिर नेक्स्ट डे वो वाले कपड़े फैला दिए थे तो वो सूख गए अच्छे से। और यहाँ पे मैं एक एक चीज़ अलग कर रही हूँ, इनमें से काफ़ी चीज़ें जो पुरानी हो गई, एक्सपायर हो गई हैं या टूटी फूटी हैं तो वो मैं अलग करके हटा रही हूँ, और जो चीज़ें सही हैं तो उन्हें अलग कर रही हूँ पूरा। उसके बाद जब मैं ये अलग अलग कर दूँगी उसके बाद मैं ड्रेसिंग टेबल में इसे सेट करूँगी। बट एक काम है जो आयना और यशी करती हैं और हम लोग भी बचपन में करते थे, कि जो मम्मी लोगों को चीज़ें ख़राब लगती थी और वो फेंक देती थी तो वहाँ फेंकी हुई जगह से उसे उठा उठा के रख लेते थे हम लोग, तो आयना यशी भी यही कर रही थी, जो मैं कूड़े में निकाल दे रही थी वो उसे उठा उठा करके रख ले रही थी अपने टॉयज में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फेंका हुआ है, अब मैं इसे क्लीन करूँगी, और ड्रेसिंग टेबल आपने देख ही लिया कि मैंने अच्छे से सेट कर दिया, और कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके। तो अब झाड़ू लगा देती हूँ, अलमारी वगैरह भी साफ़ की थी ऊपर से, तो देखिए कितना कूड़ा हो गया है, झाड़ू वगैरह लगा के क्लीन कर दूँ, फिर पोछा भी लगाऊंगी क्योंकि धूल वगैरह होती है ना तो झाड़ू से साफ़ नहीं होता है, थोड़ा सा गंदगी रह जाती है तो वो पोछे से ही जाती है। और यहाँ पे ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा होगा ना ग्लासेस का, वो मैंने खुद बनाया था डिस्पोजल वाले ग्लासेस से, उसमें लाइट लगाई थी, काफ़ी अच्छा था ये, बट इसकी लाइट ख़राब हो गई है तो, और गंदा भी हो गया ऊपर रखा था, तो मैं इसे हटा दे रही हूँ। दिवाली टाइम पे मैंने बनाया था, जब लाइट जलाते तो बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो सफाई हो गई है लगभग रूम की, और बाहर का भी अभी पूरे घर में ही झाड़ू लगाऊंगी, अभी पहले इस रूम में लगा लूं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कूड़ा है, तो यहाँ वाला कूड़ा मैं एक तरफ रख दूंगी, इसे पूरे घर में नहीं ले जाऊंगी, इसे यहीं से उठा लूंगी, उसके बाद फिर बाकी पूरे घर में लगाएंगे। ये सब काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था, 7 बज गए थे, और मेरा किचन का काम पड़ा रह गया था, जैसे दूध गर्म करना, बॉटल वॉश करना, और चाय भी बनाने में काफ़ी लेट हो गया था। और इस टाइम तो आना यशी पार्क में ही खेल रही थी, तो वो जल्दी से अब मैं कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा करके किचन में आ गई हूँ। देखिए खिड़की से दिख रहा है आपको, अंधेरा हो गया, शाम हो गई है, बहुत लेट हो गया था,
तो बर्तन भी मैं सेट करने को अभी मेरे पूरे पड़े, मेरा किचन का काम पूरा ही रह गया था क्योंकि कवर चढ़ाई फिर क्लीनिंग की तो बहुत टाइम हो गया। तो अब मैं आई हूँ किचन में, शाम को इस टाइम मेरा वैसे नॉर्मली डिनर बनता रहता है बट आज तो शाम वाला ही काम नहीं हुआ, तो ये जल्दी से बर्तन वगैरह सेट करके फिर बॉटल वॉश करना है। देखिए बॉटल भी रखी है यशी की वरना रात में प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद फिर मेरे को खाना भी बनाना है। खाने में अभी डिसाइड करेंगे कि क्या बनाते हैं। तो बॉटल वॉश करके सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मेरा चाय के बिना काम चलता नहीं है, तो जल्दी से बॉटल वॉश कर लेते हैं। और आप सभी लोग मेरे को एक चीज़ बताइएगा कि मेरा ये वाला व्लॉग कैसा रहा, और मैं साड़ी में ही व्लॉग बनाया करूँ डेली या फिर सूट में या अलग अलग ड्रेसेस में या फिर साड़ी में, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वाला व्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा। चलिए फिर व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिए।